नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मनाएंगे। आप जो देख रहे हैं कोरोना की महामारी का चक्कर है, प्रशासन का हम लोगों को बहुत सहयोग मिला है, उस कारण हम लोगों ने कार्यम अपना प्रोग्राम को किया है और प्रशासन को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को प्रोग्राम में सहयोग किया है। अपने अल्लाह से आज के दिन दुआ करेंगे कि इस बीमारी को, ऐसे दिन जो हम लोग याद कर रहे हैं, इस बीमारी को दूर होगी और इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि कोरोना ऐसी बीमारी पूरी दुनिया से दूर होगी। मैं शादाब अशरफ, महानगर कोषाध्यक्ष। इस त्यौहार बरफात 12 रबी अव्वल, इस त्यौहार के मौके पर ऐसा है, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की पैदाइश का दिन है, इसमें जश्न मनाते हैं हम लोग। आज के दिन हम लोगों के घर के बच्चे और बुज़ुर्ग सारे लोग पढ़ाई कलाम पाक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हम लोग नात पढ़ पढ़ कर बच्चों को नात पढ़ाते हैं हम लोग, और पढ़ाने के बाद सबको प्राइज़ देते हैं, बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट बांटते हैं। खुशी का माहौल होता है, जश्न का माहौल होता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तस्तीम, जैसे होता है ना कि वो हम लोग एक तरीके का समझ लीजिए कि वितरण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं खुशियों का, और जितना लुटा सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा किया जाता है। ये इस महामारी को कोरोना काल में जिस तरीके से आप देखिए, सारी चीज़ बंद रहती थी और सारी चीज़ों को एकदम पाबंदी से कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। माहौल को धीरे धीरे सही देखते हुए हमारे जिला अधिकारी महोदय ने ये 200 आदमी का परमिशन दिया है मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए, और चीज़ें 200 लोगों की हम लोगों को परमिशन मिली है, और डाइल्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे लोग इसको जो है अपने हिसाब से त्यौहार मना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल सही होगा, परमिशन बढ़ती चली जाएगी। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।